वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक के कोरोना अपडेट्स के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुरुवार शाम 7 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने बताया कि उन्हें रूटीन टेस्ट के लिए एडमिट कराया गया है, उनकी हालत स्थिर है। आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले भी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पेट दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा गुरुवार को 16 लाख के पार हो गया। अब तक 16,01,034 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ऐसा लगातार चौथी बार है जब सिर्फ दो दिन में 1 लाख नए संक्रमित मिले हैं। अब देश में हर 10 लाख की आबादी में 13,171 लोगों का टेस्ट हो रहा है। इनमें 1,152 संक्रमित मिलते हैं, जबकि इतनी ही आबादी में संक्रमण से 25 लोगों की मौत हो रही है। अब तक 10,24,451 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे भी बुरी खबर ये है कि भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऐसा देश बन गया है जहां संक्रमण के चलते सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। गुरुवार को ही इस मामले में इटली को पीछे छोड़कर भारत 5वें नंबर पर पहुँच गया। भारत में अब तक 35,166 लोगों की मौत हुई है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 35,129 है। इस पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे पर ब्राजील है। भारत में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले और मौतें 5 राज्यों से हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव महाराष्ट्र में है। यहां अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस तरह से देश में कुल संक्रमितों की संख्या में 25.47% मरीज और जान गंवाने वालों में 41.30% लोग यहीं से थे। इसी तरह तमिलनाडु में 2.34 लाख से ज़्यादा केस और 3700 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। देश का अब कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जहां संक्रमण के 50 से ज़्यादा मामले ना हो। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त तक राज्य में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से मिले सुझाव पर गौर करते हुए ये फैसला लिया गया है। उधर पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,70,93,325 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,07,86,239 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,72,356 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच स्पेन में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 1,153 नए मामले मिले। 6 मई के बाद ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अब तक 3.27 लाख केस मिल चुके हैं। अब हम दुनिया के बाकी देशों में कोरोना वायरस के मामलों से रूबरू होते हैं। अमेरिका में अब तक 45,86,325 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ 1,54,360 लोगों की मौत हुई है। ब्राज़ील में 25,56,207 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वहीं 90,212 लोगों की मौत हुई है। रूस में अब तक 8,34,499 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। यहाँ 13,802 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में 4,71,123 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि 7,497 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,08,449 हो गई है। यहाँ 45,361 लोगों की जान जा चुकी है। पेरू में 4,683 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ अब तक 18,816 लोगों की मौत हो चुकी है। चिली में 3,51,575 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं या 9,278 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में 3,29,721 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ 28,441 लोगों की जिंदगी कोरोना वायरस ले चुका है। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,02,301 हो गई है। यहाँ पर 45,961 लोगों की मौत हो चुकी है। ये थे अब तक के कोरोना अपडेट्स। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोरोना से जुड़ी हर खबर से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।